हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग ठीक होगे। सो वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो मैं अभी सोच रही थी मैं अभी वीडियो अपलोड करूं, बिकॉज मैंने दो या एक दिन से वीडियो अपलोड ही नहीं की। मैं इतनी बिजी थी ना, तुम लोग क्या बताओ। मुझे ना स्कूल का इतना काम था और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी वीडियोज़ को। मिस तो किया होगा, किसी ने भी नहीं मिस किया, मैं सब पता यार। खैर गाइस, सो गाइस कल मेरा रिजल्ट है एंड मैं काफ़ी नर्वस हूँ एंड कल एक फंक्शन टाइप है। सो मैं 9 बजे से 12 बजे तक होंगी एंड शुक्र है मोबाइल चलाऊँ यार, वरना मैं तो गई। एक तो ये शुरू करते ही गेम बड़ा हैंग हो जाता है, इससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा हिलाना पड़ता है। ग्रैनी इजी मोड लिया हो तो हाँ, इस आवाज़ को तो लेकर जाना पड़ेगा। और सामने ग्रैनी है, वो हैंग ना हो, वो देख यार हैंग ना हो। ओके सब कुछ ठीक है यार, मुझे स्पीड मारनी पड़ेगी क्योंकि यार एक सेकंड, मेरी वॉइस ठीक आ रही है, मुझे चेक करने दो। ओके मेरी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सो अभी मैं कुछ सेंसिटिविटी चेंज करूँगी एंड सेटिंग मेरी जैसे चेंज हो जाएगी तो मैंने वॉइस को उठाना नहीं, मैंने ग्रैनी को बुलाना है और फिर ऊपर जाना है, बस इतना काम है मेरा। एक तो मेरी बहन लड़ाइयाँ करती रहती, कब पता नहीं दरवाज़ा लगेगा और मेरी जान छुड़ेगी। सो अभी ग्रैनी आ चुकी है, इस वॉइस को उठा लेती हूँ। एंड मुझे अपना ग्रैनी से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता लेकिन मतलब मुझे इससे डर नहीं लगता, ठीक है। सो अभी मैं चलूँगी ऊपर एंड मेरी आवाज़ चेंज लग रही है, तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एक बार। पता नहीं मेरी आवाज़ शायद चेंज हो गई, मुझे ऐसे लग रहा है, तुम लोग को लग रहा है नहीं लग रहा मुझे ज़रूर बताना। एंड कुछ ही नहीं, बस चलते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है यार। सारी लाइट्स ऑफ कर दो, एक तो सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं अभी से, सिर्फ 11:20 हो रहे हैं, लेट्स सी। ओके इसके अंदर भी कुछ नहीं है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं नीचे जाती हूँ बेसमेंट के अंदर एंड शोर करती हूँ ताकि ग्रैनी आ जाए एंड मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, ढोल बजाते हैं थोड़ा, ब्रिंग ब्रिंग एंड थोड़ा पीछे होते हैं एंड इसको ऑन कर देते हैं, स्मीट को क्या कहते हैं, स्टीम, स्मीट नहीं स्टीम। बस अब ग्रैनी का वेट करना है, बाकी सब कुछ ऑसम है यार, लेट्स सी कब आएगी यार। एक कबूतरी, एक तो बहुत देर गाती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस पर। ओके आ गई, इतनी जल्दी कौन आता है। आई मीन आप लोगों ने, मैं एक सीरियल बताती हूँ, जब मैं गेम ना खेल लेती हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ तो मेरे अंदर ना कुछ शरारतें गूंजती हैं जो मैं ग्रैनी को ना तंग करने के लिए करती हूँ। मैं अजीब अजीब चीज़ें करती हूँ इस गेम में, मेरे काम चेक करो तुम लोग। मैं रिकॉर्डिंग में इतनी शरीफ हूँ लेकिन मैं असल में थोड़ी सी औजुबिल्ला, आई मीन ना औजुबिल्ला। तो बैटरी कार के लगा देते हैं, ग्रैनी दफा हो चुकी है सिर्फ 2 मिनट, आई मीन चली गई है सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक तो मेरे इस्तकबार। ओके गाइस, ओके अब मुझे ना थंबनेल बनाना सीखना है एंड मुझे थंबनेल बनाना सीखना है एंड कैसे बनाऊँ मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, आई मीन थोड़ा थोड़ा आइडिया है कैसे बनाना है, तो बस कोई हेल्प कर दो यार तुम लोग थंबनेल बनाने में। मुझे ये जानना है कि थंबनेल कैसे बनता है, जस्ट इतना ही। एंड इसके लिए लिखना मास्टर की। वाह, एक तो मैं कलर देख के बता देती हूँ कौन सी की है, मुझे इनका नाम बिल्कुल नहीं जानना, मुझे इस गेम की बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो चुकी है और कहाँ पर कहाँ जाना है, मुझे पूरा गेम का मैप भी पता चल चुका है, ग्रैनी 1, ग्रैनी 2, ग्रैनी 3 सारों के मैप भी पता चल चुके हैं और चीज़ें भी पता चल चुकी हैं बिना कुछ देखे। वाओ, आई रियली प्राउड ऑफ मी। भाई खुद पे बंदे को प्राउड होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए, प्राउड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, चाहे कोई करे या ना करे, चाहे तुम लोग कोई सपोर्ट करे या ना करे, तुम लोग अपने आप पर खुद सपोर्ट करो। पागल होगी मैं, इतने बयान देती हूँ, मुझे लगता है ग्रैनी आ चुकी, अभी भी नहीं आई होगी, चेक करो यार मेरे काम। ओ कहाँ रख दिया मैंने वाज, अब लेट्स सी मैंने वाज कहाँ रखा है। वाज बेबी वेयर आर यू, हाँ बैटरी यहाँ पर उठाई थी तो यहीं कहीं आवाज़ होना चाहिए।
तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर स्पेशल कि यार हम इसे पढ़ते हैं, ये है क्या? दिस इज़ माई फिफ्थ डे, शी शी सॉरी शी चीज़ मी वैन एवर आई गो आई एम, यार क्या कर रही हूँ मैं यार, फेंको यार मुझे नहीं पढ़ना यार, क्या भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है, एक तो सही से लिखा भी नहीं, ऊपर से इंग्लिश भी है पढ़ी, तो मैं कैसे पढ़ूंगी इसे, आई 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 मीन तुम लोग को एक बात बताती हूँ, मेरे नेबर्स में ना शादी थी तो मज़ा आया, आई मीन मैं नहीं गई लेकिन मैंने देखने में काफ़ी मज़ा आया, मैं स्टडी कर रही होती थी तो सॉन्ग चल रही होती थी, इतना मज़ा आता था, इन्जॉयमेंट भी साथ करती थी सब कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यूनिक एंड मज़ा आता था। ओके और इसे स्टीम स्टीम समीट को ओपन कर देते हैं यार मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है आज। ग्रैनी आ गई आ गई आ गई, कोई बात नहीं आ गई आ गई। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल, तो सी ठीक हो? चलो अब मैं बंद कर देती हूँ भाई। ग्रैनी जैसी दादी हो ना तो बस जिंदगी तबाह हो जाए। वोज एग्री भाई, कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से, है ना यार, मेरे रूम में तंदीर है, रुक जाओ मुझे लाइट चलाने दो। ऑल राइट आई एम बैक। ओके इसकी वो हैंडल मिल गया, वो हैंडल मिल गया जिसकी तलाश थी वो मिल गया। आज मैंने दोनों एस्केप करने की कोशिश करनी है, जो एस्केप हो वो ठीक है। हैंडल में या तो हैमर निकलेगा या फिर इंजन पार्ट ऑफ इंजन निकलेगा, देखते हैं दोनों में से क्या निकलता है यार, दोनों मेरे काम आ जाएगी, अगर दोनों निकल गए ना मज़ा आ जाए। आई विश इंजन निकले, बट हैमर भी निकलेगा तो भी चलेगा, बट आई विश इंजन निकले, लेट्स सी। इसको देखते जाते हैं, इसमें कोड होता है ना यार, अब इसको हाथ मारेंगे एंड यहाँ से जरिए ले जाएंगे एंड व्हील को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमाएंगे, लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ, हमारे साथ क्या होना है, इसके साथ होना जो होना है। घुमाते जाओ, पार्ट ऑफ इंजन, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, माई विश इज कम्प्लीटली, ओ माई गॉड, सच में मुझे इतना मतलब यकीन नहीं था, मुझे लगा हैमर निकलेगा क्योंकि हर वक्त हैमर निकलती कैसी यार, कोई मैं क्या हूँ भाई, कोई लकी गर्ल हूँ, गर्ल लकी गर्ल। जल्दी से लगाते हैं पार्ट ऑफ इंजन, मोहब्बत मोहब्बत तुमसे मिली है, नाया वो फिर नजर ऐसे बात छेड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का धुआं। रेंच, रेंच कील नहीं होते इस इंजन में, वो काम करता है रेंच, और भी काम करता है वो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वट्टा वट्टा सट्टा करेंगे इसको ऑफ करते हैं एंड ग्रैनी आ रही है यार, मुझे शक है पूरा, ग्रैनी पक्का आ रही है, छुप जाती हूँ, फिर भी देख लिया है इसकी आंखें क्या है, मैं क्या करूँ, यहीं से गुजर जाता हूँ, जाती हूँ यार। स्नैपचैट मुझे भेजना बंद कर दो, अभी मुझे रिकॉर्डिंग करने दो, यहाँ पर छुपती हूँ मैं ताकि मैं इधर दीवार के पीछे ही, हाँ एंड छुप के छुप के देखूँगी कोई जा नहीं रहा है, नहीं रहा क्या। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा वीडियो होगी, 9 मिनट की वीडियो होगी क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बना सकती मैं, सो आई होप यू विल इंजॉय दिस वीडियो एंड वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताने था कैसी वीडियो बनी है, सो आई होप यू विल इंजॉय दिस वीडियो, सो लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।